हेलो एवरीवन, दिस इज प्रज्वल फ्रॉम एमईसीटी एस्पिरेंट्स अंडर स्कोर 95। जिसको नहीं बता एमईसीटी एस्पिरेंट्स अंडर स्कोर 9 का क्या है, उसके लिए एक ब्रीफ बता देते हैं कि एमईसीटी एस्पिरेंट्स अंडर स्कोर 9 का क्या है। एमईसीटी एस्पिरेंट्स अंडर स्कोर 95 एक 3 लोगों ग्रुप है जो एमईसीटी की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों की हेल्प करते हैं। हम लोग हेल्प हम 3 तरीके से करते हैं। कोई भी क्वेरी है आपको एमईसीटी से रिलेटेड, उसके एग्जाम से रिलेटेड, फीस से रिलेटेड, एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड, तो हमको डीएम करिए इंस्टाग्राम पे या कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। मॉक टेस्ट हम लोग फ्रीक्वेंटली करवाते रहते हैं। नेक्स्ट मॉक टेस्ट 26 जुलाई 2020 को है, तो आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करके आप जान सकते हैं कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं इस टाइम। और रिवीजन क्लासेस हमने यूट्यूब पे स्टार्ट कर दी हैं, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और मेंटल एबिलिटी का हम इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने भी हैं उन्हें कवर करेंगे। तो जो लोग भी एमईसीटी की तैयारी कर रहे हैं उनको इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। इंस्टाग्राम पर हम लोग का नाम है एमईसीटी एक्सपीरियंस अंडरस्कोर 95। और डेली अपडेट्स के लिए और रिवीजन क्लासेस में पार्टिसिपेट करने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्री, और ये सब हम लोग फ्री में करवाएंगे। स्वागत है आप लोगों का हमारे शो में टूटू टॉक्स बाय 95। तो फटाफट हम अपने टॉपिक पे आते हैं, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन आज का हमारा टॉपिक है। तो रिलेटिव मोशन पढ़ने के लिए सबसे आपको पहले आइडिया होना चाहिए रेफरेंस फ्रेम क्या। रेफरेंस फ्रेम जानने के लिए हमारे वीडियो नंबर 1 में चले जाइए, जिसमें हमने बताया था कि बेसिक्स ऑफ काइनेमेटिक्स को, तो आप उसमें रेफर कर लेना, देख लेना उसको। थोड़ा सा 1-2 मिनट का ही पार्ट है उसका रेफरेंस फ्रेम का, तो उसे चेक कर लेना, पता लग जाएगा फटाक से सबसे। क्योंकि रिलेटिव मोशन पढ़ने के लिए भाई इसको पढ़ना ही पड़ेगा, आपको जानना जरूरी है। तो दो बॉडी है ए और बी, तो ए का हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं ए एक्स कॉमा वाई बराबर एक्स वन आई कैप वाई वन जे कैप। बी का कोऑर्डिनेट लिखते हैं ऐसे x2 i cap plus y2 j cap, ठीक है। तो अब बताओ जो b है वो a के रेस्पेक्ट में कैसे चल रहा होगा, कोई आइडिया है इसका कैसे निकालेंगे, कुछ पता है? मैं बता देता हूँ, अगर हम a के रेस्पेक्ट में निकालना, जिसके रेस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं और जिसका निकालना चाहते हैं उसका उसमें से माइनस कर देंगे, ए बी में से ए माइनस कर देंगे कोई भी वैल्यू, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, जो भी जितनी भी क्वांटिटी है, अगर बी वाली ए में से माइनस कर दें तो ए के रिलेटिव ही पता लग जाएगी वो चीज। तो निकालो भाई बी विद रेस्पेक्ट टू ए equals to x2 minus x1 i cap plus y2 minus y1 j cap, इतना होता है। तो velocity निकाल लो भाई a की, velocity of a x by t comma y by t equals to x1 by t i cap plus y1 by t j cap, और ऐसे ही vb आ जाएगा मिलकर आपका, vb की वैल्यू आएगी x2 by t i cap प्लस y2 by t j cap। तो वेलोसिटी ऑफ b कितना आएगा, वेलोसिटी ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू a इक्वल्स टू x2 माइनस x1 अपॉन t i cap प्लस y2 माइनस y1 अपॉन t j cap। ये इसके रिलेटिव वेलोसिटी आएगी ऐसे, तो आइडिया लग गया ना आपको रिलेटिव। और ऐसे ही एक्सेलरेशन निकाल देना भाई, इसको एक बार डिफरेंशिएट करना, एक्सेलरेशन निकल गया जाएगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी ये होता है। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी को एक लाइन में डिफाइन करें तो जिसके रिस्पेक्ट में देखना है उसको रोक दो और बाकी दुनिया देखो। जैसे कोई भाग भी रहा है तो उसको रोक दो, बाकी दुनिया कैसे बिहेव करेगी उस रुकने के बाद, वो जो डिस्कस करेंगे वो होता है रिलेटिव वेलोसिटी उस बॉडी के रेफरेंस में। ये एक सॉलिड वर्ड में बात हो गई रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। तो कुछ एक क्वेश्चंस करा देते हैं समझने के लिए आपके, ठीक है। कार ए है और कार बी है,
अब इनके बीच का दूरी डी डिस्टेंस है, ये कुछ ए एक्सेलरेशन से चल रहा है और ये कुछ वी वेलोसिटी चल रहा है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और इसकी वेलोसिटी इनिशियल वी है। तो हमें बताना है रिलेशन कि क्या रिलेशन होगा इन सब चीजों में कि ये इसको कैच कर ले, ठीक है, समझ लो ना। ये कह सकते हो कि टाइम की वैल्यू बताओ कि इसे कैच कर जाए, कुछ इस टाइप की चीजें करनी है। तो देखो भाई, मान लेते हैं कुछ एल डिस्टेंस चलने के बाद वो उसे कैच कर लेगा, कर लेगा नहीं कर लेगा, कर लेगा ना, सीधी बात है। तो उसको दो तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन को, देखो, एक तो ग्राउंड फ्रेम से कर दो, ठीक है, और एक इसके फ्रेम से कर दो। चलो पहले ग्राउंड फ्रेम से कर देते हैं। तो D प्लस L बराबर इसके रेफरेंस में आएगा एक बटा दो ए टी स्क्वायर, किसी टी टाइम बाद उसे कैप्चर कर लेगा। L इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टी, तो इसमें पुट कर दो D प्लस वी टी इक्वल्स टू एक बटा दो ए टी स्क्वायर के, दो से मल्टीप्लाई किया टू डी प्लस टू वी टी बराबर ए टी स्क्वायर के। तो ए टी स्क्वायर माइनस टू वी टी माइनस टू डी बराबर जीरो के, तो टी आ गया टी इक्वल्स टू प्लस माइनस, टी इक्वल्स टू माइनस बी, माइनस बी क्या है फोर बी प्लस माइनस अंडरस्कोर बी स्क्वायर, मतलब फोर बी स्क्वायर प्लस एट ए डी अपॉन टू ए, इतने टाइम बाद कर लेगा, समझ गए इस बात को। और ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए तभी ये चीज अचीव होगी, उसके बिना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं निकल के, समझ गए इस बात को। और एक चीज़ और है उसमें भाई, 4v जो है वो हमेशा इससे बड़ा होना चाहिए, अगर ये इससे बड़ा निकल गया टोटल और निगेटिव हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इस चीज़ को अलग तरीके से करते हैं, देखो मान लेते हैं कार v के रेफरेंस में कर रहा है इसको, तो कार v के रेफरेंस में कार a की वेलोसिटी कितनी है, कार a विद रिस्पेक्ट टू b एट a इक्वल्स टू, बताओ बताओ बताओ, ए इंटू टी माइनस ऑफ बी, यही रहेगी ना उसकी वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे, ए इंटू टी माइनस बी, ए इंटू टी माइनस ऑफ बी जो उसको लगेगा। और कार ए बी को, कार ए की इनिशियल वेलोसिटी क्या लगेगी, बराबर माइनस की लगेगी, लगेगी ही नहीं लगेगी, लगेगी भाई। तो बताओ कि अब ये कार तो रुकी हुई है क्योंकि इसी के फ्रेम में देख रहे हैं, तो डी डिस्टेंस चलने में से कितना टाइम, कितना टाइम लगेगा, कोई टी टाइम लगेगा। तो मान लिया जो टी है बराबर होगा माइनस और वी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी वी है, तो टी टाइम प्लस एक बटा दो ए टी स्क्वायर के। तो एक्सेलरेशन सब कुछ कर लीजिए, क्योंकि भाई एक्सेलरेशन तो है नहीं इसके पास, इसके पास है क्या, एक्सेलरेशन नहीं है। तो ए ए एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी इक्वल्स टू ए, जो कि आया यहाँ पे। और वेलोसिटी के साथ वो कैसे किया, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल्स टू माइनस बी, ऐसे आ गया, किसी को कंफ्यूजन नहीं। तो डी की वैल्यू ये आ गई भाई, तो टू से मल्टीप्लाई किया टू डी बराबर माइनस टू वी टी प्लस ए टी स्क्वायर के, इसको उधर ले आए तो ये बन गई सेम इक्वेशन।
देख रहे हो ना, इसको इधर ले आओ, सब चीजें सेम हो गई, फिर इसको ऐसे सॉल्व कर देना। अब ऐसे ही एक रेफरेंस में कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टीम बोट प्रॉब्लम और वॉट रेन ड्रॉप प्रॉब्लम, ठीक है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। IMUCT aspirants_95 साइनिंग आउट।